ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सामाजिक संस्था यस हिमाचल यूथ एम्पावरमेंट सोशल सर्विस द्वारा राष्ट्रीय युवा दिवस के उपलक्ष्य में युवा सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य वक्ता हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय एवं बाजुमो के पूर्व अध्यक्ष नरेंद्र हतिंग ने भाग लिया। उन्होंने कहा कि भारत माँ के महान सपूत स्वामी विवेकानंद की 157वीं जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस पर युवा भारत प्रथम राष्ट्र पहले की शपथ लें एवं प्रण लें कि वे अपने जीवन के व्यक्तिगत लक्ष्य से पहले राष्ट्र व समाज के प्रति जो दायित्व एवं कर्तव्य है उनको प्राथमिकता देकर कार्य करना चाहिए। ये लोगों की जान जा रही है और सीए है क्या? नागरिकता संशोधन कानून जो पहले से उपलब्ध कानून था उसमें सुधार किया गया है कि 2014 तक जो लोग पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से या बांग्लादेश से भारत के अंदर आए हैं और उन देशों में उनके ऊपर धार्मिक आधार पर उनका शोषण हुआ है वो भारत के अंदर नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। इसमें बुरा क्या है? इसमें हमें और आपको क्या नुकसान है कि भारत में रहने वाले किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी क्षेत्र के रहने वाले व्यक्ति के ऊपर कोई इसका दुष्प्रभाव नहीं है। केवल कहा गया है कि मुस्लिम जो लोग हैं, जो पाकिस्तान में रहते हैं, अफगानिस्तान में रहते हैं, बांग्लादेश के अंदर रहते हैं, वो बंधु यहां अप्लाई नहीं कर सकते। तो इसमें बुरा क्या है? जिन देशों का गठन ही, जिनका संविधान इस्लामिक है, जो मुस्लिम देश है, मुस्लिम देश के अंदर कोई मुस्लिम व्यक्ति पर धर्म के आधार पर क्यों कोई अत्याचार करेगा?